हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट लर्नर एजुकेशन, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उनके पैडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले। आज हम लास्ट टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सेकेंड लास्ट थ्योरी है मैकडॉगल्स थ्योरीज ऑफ इंस्टिंक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड व्हाट इज मीन बाय इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज एन इननेट बिहेवियर, टिपिकली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई। तो ये एक फिक्स बिहेवियर होता है जो किसी भी सर्टन स्टिमुलाई के सामने कोई भी एनिमल या मैन या पर्सन उसको क्या करता है, शो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंस्टिंक्ट ड्राइव्स ऑल बिहेवियर्स एंड मैकडॉगल सा इंस्टिंक्ट एज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। इसके मुताबिक जो ये इंस्टिंक्ट है या जो ये रिस्पॉन्स कोई भी शख्स शो करता है, तो ये कोई रेंडम रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक गोल डायरेक्टेड और पर्पस, किसी खास वजह की वजह से ये इंस्टिंक्ट शो किया जाता है। इंस्टिंक्ट्स आर गोल डायरेक्टेड एंड इननेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट आर नॉट द रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस। ये जितने भी इंस्टिंक्ट हैं किसी भी शख्स के अंदर, स्टूडेंट के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर जो पैदा होते हैं, ये गोल डायरेक्टेड होते हैं और इननेट होते हैं, यानी कि खुद ही अंदर ही पैदा होते हैं, ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से नहीं आते। या यूँ ही समझ लें, ये फिक्स्ड हैं, आपके अंदर गॉड की तरफ से गिफ्ट हैं, गॉड गिफ्टेड हैं और आपके अंदर सेट कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट्स इन एक्शन, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग इज शेकिंग आफ्टर इट गेट्स वेट। आपने देखा होगा बहुत से एनिमल जब वो गीले हो जाते हैं तो अपने आप की बॉडी को क्या करते हैं, मूव करते हैं, किस लिए शेक करते हैं, किस लिए, ताकि वो ड्राई अप हो जाए। अ सी टर्टल इज सीकिंग आउट द ओशन आफ्टर इट हैज, ठीक है। अ बर्ड इज माइग्रेटिंग बिफोर द विंटर, ठीक है। ये सब क्वालिटीज किसकी है, इननेट क्वालिटीज़ हैं किसी भी एनिमल्स के अंदर और किसी भी शख्स के अंदर। ही प्रपोज दैट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वाज कंपोज्ड ऑफ थ्री फंडामेंटल एलिमेंट्स। इसके मुताबिक जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है किसी भी शख्स के अंदर, वो किस वजह से पैदा होता है, वो इन तीन वजह रीजन हैं उनकी वजह से पैदा होता है। सबसे पहले क्या है, परसेप्शन है, कि कैसे आप चीज़ों को सेंस के ज़रिए विद यूजेज योर सेंसेस रिसीव करते हैं। फिर बिहेवियर है, कैसा आप रिएक्ट करते हैं इमोशन और क्या इमोशन आप शो करते हैं। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर किसी भी शख्स का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बनता है। उसके बाद आज की जो लास्ट थ्योरी है वो इंसेंटिव थ्योरी है। नाम से ही जाहिर है इंसेंटिव, के जब भी किसी का आपने कोई स्पेसिफिक बिहेवियर अचीव करना हो तो आप उसे कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। इंसेंटिव दो तरीके से ही हो सकता है, या तो वो रिवार्ड की सूरत में या वो पनिशमेंट की सूरत में। द इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स एक्सटर्नल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर द प्राइमरी काज ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज अपोज टू इंटरनल फैक्टर। जो इंसेंटिव थ्योरी है, क्योंकि इंसेंटिव जो है वो आप खुद अपने आप को नहीं देते, इंसेंटिव मोस्टली आपका बॉस, आपके स्कूल टीचर, आपके हेड टीचर, आपका मैनेजर, वो आपको देता है। किस वजह से, आपके अच्छे काम की वजह से या आपकी किसी गलती की वजह से। तो ये क्या हुआ, ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेटर है, ये एक्सटर्नल है ये चीज़, ठीक है। तो एक्सटर्नल और जो आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देर पा नहीं होती। जब तक आपको रिवॉर्ड का लालच रहेगा आप अच्छे तरीके से बिहेव करते रहेंगे, या जैसे ही आपको पनिशमेंट का डर हटेगा तो आप काम से हट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन है, इंसेंटिव थ्योरी, ये ज़्यादा देर पा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है। वो तमाम थ्योरीज़ जो इंटरनल मोटिवेशन को इग्निट करती हैं या उसको उजागर करती हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। कहते हैं एज अपोज टू इंटरनल फैक्टर्स दिस थ्योरी इवॉल्व्ड आउट ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो बिहेवियरिज्म की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है,
उससे इसको अख्ज़ किया गया है। द इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ अ थ्योरी दैट इज़ सपोर्टेड बाई मैनी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वन बीइंग बीएफ स्किनर। ठीक है, जो इंसेंटिव थ्योरी है ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें से बहुत फेमस नाम है बीएफ स्किनर का। ठीक है, आपको अब कुछ मोटिवेशंस, जो इंसेंटिव मोटिवेशन है जिसकी वजह से लोग काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपकी डेवलपमेंट, आप लाइफ में एक डेवलप्ड अपने आप को देखना चाहते हैं, पावर पावर अचीव करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल रही हैं उसके लिए, डिटर्मिनेशन है आपकी, सपोर्ट है, लोग सपोर्ट करते हैं, गोल है, चैलेंजेस हैं। ठीक है, ये तमाम क्या है? मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जो आपको आपको मोटिवेट करने में मदद देते हैं। आई होप आपको ये दो थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स, मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ। लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स।